Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। कोरोना रिलीफ टैगर्स की जिम्मेदारियां क्या होंगी और कौन कौन इसमें शामिल हो सकेगा, मुकम्मल तफसील जानिए इस वीडियो में। कोरोना टैगर्स प्रोग्राम 18 से ज़ायद उम्र के सेहतमंद नौजवान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास हुआ, जिसमें मामून खसूसी बरए यूथ अफेयर्स उस्मान डार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खां, चेयरमैन नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और सिटीज़न पॉलिटिकल के फोकल पर्सन आदिल सईद सहाफ़ी शरीक हुए। इजलास के दौरान टाइगर फोर्स की तशकील का तरीक़ाकार तय कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने हंगामी सूरत के पेश नज़र बरवक़्त पेशगी इकदाम की हिदायत की। वज़ीर आज़म खुद भी नौजवानों के लिए खसूसी प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाएंगे। प्रोग्राम के मुताबिक रज़ाकार NDAMA के साथ मिलकर घरों में राशन पहुंचाएंगे। रज़ाकार एशिया ज़रूरिया के लिए जगह और स्टोरेज का बंदोबस्त भी करेंगे। कोरोना रिलीफ टैगर्स की निशानदाही पर इंतजामिया और पुलिस फौरी कार्रवाई करेंगी। शहरों और देहातों में कैम करने तीनिया मराकज़ के इंतजाम भी में भी हिस्सा लेंगे। कोरोना रिलीफ टैगर्स घरों में करने तीनिया हुए लोगों की देखभाल भी करेंगे। रज़ाकार हस्पतालों और अवामी मकामात पर लोगों को गाइडलाइंस फराहम करेंगे और बेरोज़गार अफराद का डाटा इकट्ठा करेंगे। कोरोना के मुश्तबा मरीजों से मुतालिक मालूमात भी इकट्ठी करेंगे। कोरोना रिलीफ टैगर्स लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने में इंतजामिया और पुलिस की मदद करेंगे। रज़ाकार ज़खीरा अंदोजी और ज़ायद कीमतों से मुतालिक भी निशानदाही करेंगे। रज़ाकार ऐलानात और जनाजों के इंतजामात में भी हिस्सा लेंगे। कोरोना रिलीफ टैगर्स को मुतालिका सरकारी अफसरान रोज़ाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस टाइगर फोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करें। इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बहुत से नौजवान इस तंजीम में, इस रज़ाकाराना अमल में हिस्सा ले सकें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।